दोस्तों यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो, लोन ऑफर जो है यहाँ पर अनलॉक्ड हुआ है, 2000 से लेकर 20000 का लोन अप्रूवल हुआ है। अगर आप लोग कहीं पर भी अप्लाई करने जा रहे हो, रिजेक्शन हो जा रहा है बार बार, तो अगर आप लोग सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट्स हो, हाउस वाइफ हो, अनएम्प्लॉयड हो, सभी को जो यहाँ पर लोन मिलने वाला है, सिबिल कम है या फिर आप लोग डिफॉल्टर हो तो भी आप लोगों को लोन मिलेगा, क्योंकि ये जो भी लोन एप्लीकेशन है ये दिवाली ऑफर जो है यहाँ पर दे रहा है सभी को, ठीक है। अभी के टाइम में ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को लोन की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड है तो ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा। 2000 से लेकर 20000 तक का आप लोगों को लोन अगर चाहिए तो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अप्लाई नाउ पे प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद बाकी का प्रोसेस मैं आप लोगों को वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या चीजें करना होगा, बाकी का डिटेल्स आप लोगों को वीडियो के अंदर ही पता चलेगा, ठीक है। अगर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड है, लोन नहीं मिल रहा है, बार बार रिजेक्शन हो जा रहा है, तो ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लोन देगा, 100% गारंटी है। तो पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आप अप्लाई करना, डेफिनेटली आप लोगों को इसे लोन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया वीडियो के अंदर, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखना। आप लोगों को लोन का एप्लीकेशन का नाम भी बता दूंगा, साथ ही साथ कहां पर मिलेगा वो बता दूंगा। एप्लीकेशन जो है आरबीआई से लाइसेंस है, कोई भी दिक्कत बनी। आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त लोन एप्लीकेशन लाया हूँ। ये जबरदस्त क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये कोई नया लोन एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन ये पुराना लोन एप्लीकेशन होते हुए दिवाली का जो है ये एक आप लोगों का यहाँ पर एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन ऑफर जो है सभी को दे रहा है। अगर आप डिफॉल्टर हो, लो सिबिल है या फिर जो भी हाउस वाइफ स्टूडेंट्स जो भी हो, आप लोगों को लोन मिलने वाला है। 2000 से लेकर 20000 तक का लोन आप लोगों को मिलेगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पर जो भी ऑफर जो है अनलॉक हुआ है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट्स हो, अनएम्प्लॉयड हो, सिविल डिफॉल्टर हो, ठीक है, फिर भी आप लोगों को इससे लोन मिल जाएगा, मतलब सभी लोगों को मिलेगा। ये जो भी है दिवाली ऑफर है, इस पर एक आप लोगों को रेफरल कोड जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उस रेफरल कोड को अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो इससे लोन मिलेगा ही मिलेगा। अब ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है, किस तरीके से आप लोगों को अप्लाई करना है, कहाँ पर मिलने वाला है, सब कुछ आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा किसके बाद क्या आने वाला है, क्या आप लोगों को करना होगा, क्या लिखना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को लोन मिलेगा। सब कुछ आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए, सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आप लोगों के लिए लाया हूं, जो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर 2000 से लेकर 20000 का जो है लोन ऑफर अनलॉक हुआ है, तो अगर आप लोगों को भी चाहिए, लोन डिफॉल्ट कर गए हो, अगर आप लोगों का जो है बार बार रिजेक्शन हो जा रहा है, ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को अभी के टाइम में लोन प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लोगों का सिबिल जीरो है, यहाँ पर मैं बात को बता रहा हूँ, सिबिल अगर जीरो है तो नहीं होने वाला है। अगर सिबिल है, कोई भी आपका सिबिल का जो है वहां पर रिकॉर्ड अगर है, तैयार हुआ है, तो आप लोगों को लोन मिल जाएगा। जीरो सिबिल पर नहीं मिलेगा, जिसका रिकॉर्ड नहीं है सिबिल का उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर सिबिल है फिर भी आप लोगों को इसलिए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर अच्छा खासा जो है रेटिंग्स के साथ जो है आता है, आप लोगों को लिंक वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नाम बता दूंगा वीडियो के अंदर ही, पूरा वीडियो देखना। तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन है किस तरीके से आप लोगों को लोन देगा, यहाँ पर आप लोग जो कि एप्लीकेशन अपने फोन पर जब भी इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, अप टू 5 लाख आप लोगों को लोन मिल सकता है यहाँ पर बोला जा रहा है। अब यहाँ पर आरबीआई से रजिस्टर्ड जो है ये लेंडर्स है, तो आपको यहाँ पर चेकबुक्स को चेक करके गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना होगा। तो जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। अभी हम मोबाइल नंबर कौन सा डालेंगे, जो कि आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, यहाँ पर साफ तौर पे मेंशन कर दिया है। तो आधार कार्ड से लिंक वाला मोबाइल नंबर ही डालना है यहाँ पर, और गेट ओटीपी पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो, जो नंबर आपने डाला है उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना होगा, जो भी बॉक्सेस है यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डालोगे तो ऑटोमेटिक वेरीफाई होगा, वेरीफाई होते ही आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है। अब जो है एक पिन कोड आपको सेट करना होगा, जो कि एप्लीकेशन का एक सिक्योर करने का एक प्रोसेस है, मतलब एटीएम में जो पिन होता है ना उसी तरीके का पिन आपको डालना पड़ेगा। तो आप लोग कोई भी एक रैंडम पिन आप लोग डाल सकते हो, लेकिन उस पिन को आपको याद रखना पड़ेगा, बाद में जब भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ये पिन आपको देकर अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पिन डालने के बाद आप लोगों नेक्स्ट पे जो है कंफर्मेशन करने के लिए बोला जा रहा है वही वाला पिन, तो सेम पिन आप डालिएगा यहाँ पर और उसको याद रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है जो ईमेल का जो है वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो ईमेल का जो है जैसे क्लिक करोगे तो आपके फोन पे जितने भी लॉगिन किया हुआ है मेल है सभी आपके सामने आ जाएगा, जैसे कि मेरा सामने आ चुका है इतना सारा मेल आईडी, ठीक है। तो आप लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेल आईडी के थ्रू आप लोग उसको लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है यू आर ऑलरेडी एन यूजर्स, मेरा जो है यहाँ पर ऑलरेडी यूजर्स था। तो यहाँ पर लॉगआउट पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा या फिर जो भी है ये सब नेक्स्ट में डायरेक्टली जो है लॉगिन हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों को एक रेफरल कोड डालने के लिए बोला जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बोला कि एक रेफरल कोड जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, उस रेफर कोड के थ्रू अगर आप अप्लाई करोगे तो आप लोगों को लोन मिलेगा। तो वो रेफर कोड मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा, स्क्रीन पर मिलेगा, साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू आप लोग इसमें अप्लाई करना, आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं रेफरल कोड नहीं यूज करूंगा तो आप लोग स्किप स्टेप कर सकते हो, ठीक है।
तो जैसे नेक्स्ट करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब जो है आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है। पैन कार्ड का डिटेल्स पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फुल नेम, पैन कार्ड पर जो नाम है वो फुल नेम आपको डालना पड़ेगा। पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को डालना पड़ेगा। पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। तो सब कुछ आप लोग सही तरीके से डालिएगा पैन कार्ड को देखकर। तो प्रोसेस जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को मतलब नेक्स्ट पेज मतलब नहीं उसी में जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा योर पैन डिटेल्स वर वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो आपका पैन डिटेल्स जो है वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे फिर से जो है आप लोगों को 4 डिजिट का पिन जो पहले डाला हुआ था वो डालना पड़ेगा। वो डाल के आप लोग यहाँ पर प्रोसेस जैसे करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो नेक्स्ट टाइम मेन डैशबोर्ड पे लेके जाएगा जहां पर यहाँ पर आप देख पा रहे हो गेट अप टू 5 लाख जो यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। ठीक है, तो चेक लोन ऑफर पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को ऐप का परमिशन यहाँ पर ले रहा है जो कि हर एक एप्लीकेशन लेता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी परमिशंस मांग रहे हैं एसएमएस का, लोकेशन का, यूजर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, सोशल अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, जितने भी परमिशंस मांग रहे हैं वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देना होगा, अलाउ करना होगा। ठीक है, अलाउ अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को अंदर जाने नहीं देगा। तो अलाउ करते हैं। आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो यहाँ पर वर्क का डिटेल्स पूछा जा रहा है कि सबसे पहले आप लोगों का काम धंधा के बारे में पूछा जा रहा है, आप कहाँ पर काम करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप लोग जो भी हो, सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी हो आप सेलेक्ट करना, मंथली इनकम आपका कितना है वो आप लोग यहाँ पर डाल देना। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है चेकबॉक्स को चेक करके आप कंटिन्यू करना। तो कंटिन्यू जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप लोगों का जो भी है एक एक करके बढ़ रहा है। मतलब जैसे आप मतलब सैलरी अगर क्लिक करते हो तो मैंने वहां पर जो बताना भूल गया, तो सैलरी जब भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर और डिटेल्स आएगा कि आपका जो भी जहां पर काम कर रहे हो किस तरीके का है। आई एम वर्किंग इन फैक्ट्री या फिर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट काम करते हो उस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग सिलेक्ट करना। और वर्क प्लेस जहां पर काम करो उसमें आप लोगों का कंपनी का नाम क्या है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है। मोड ऑफ सैलरी क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर बैंक ट्रांसफर ही करना पड़ेगा, चेक या फिर कैश नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मंथली इनकम आप लोग दिख पा रहे हो यहाँ पर 21,000 डाला हुआ है, तो आप लोग जो भी आप काम कर रहे हो वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट करके आप कंटिन्यू करना। ठीक है, जो भी चेकबॉक्स को चेक करके, तो थोड़ा देर आप लोग वेट करने होगा। यहाँ पर आप लोग देखने को मिला कांग्रेचुलेशंस यू आर अनलॉकिंग अमेजिंग ऑफर्स, तो यहाँ पर सर्चिंग चल रहा है। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोगों को देखने को मिल रहा है लोन ऑफर अनलॉक हुआ है, 2,000 से लेकर 20,000 का जो यहाँ पर लोन मिला है। तो अप्लाई नाउ पे सिंपल क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर लोन सिलेक्शन 2,000 से लेकर 20,000 का जो यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। अब यहाँ पर 5 महीने के लिए लोन मिल रहा है, क्या क्या आपको टेन्योर पड़ना है, क्या आपको इंटरेस्ट पड़ना मतलब देना पड़ेगा वो सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है चेकबॉक्स को चेक करके आप अप्लाई लोन पे क्लिक कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर इतना बड़ा लोन अमाउंट मैंने नहीं लिया है, मैंने छोटा अमाउंट देख के दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2,000 चूज करता हूँ, आप लोग ज्यादा अमाउंट ले सकते हो। तो 2,000 भी आप लोग देख सकते हो 2 महीने के लिए दे रहा है और 1,700 करके जो यहाँ पर चार्जेस जो है लग रहा है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा जो है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है 1,726 जो है ये प्रीपेमेंट करने का जो है यहाँ पर 1,726 जो दिख रहा है ये आपके पास जाने वाला है, ऐसा जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ईएमआई 2 तरीके से ईएमआई आ रहा है, 1,030 करके जो है ईएमआई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेकबॉक्स को चेक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो 3 प्रोसेस के थ्रू आप लोगों को पैसा मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा, केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर लोन अप्रूवल का साइन एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा और आपके बैंक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेस जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो कि आप लोगों का एक सेल्फी जो है यहाँ पर लेने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को सेल्फी देना पड़ेगा और वेरीफाई केवाईसी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई एम रेडी जैसे करोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा कि सेल्फी जो है लेने का प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई होगा। तो बोला जा रहा है गुड लाइटिंग होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप लोगों को सीधा जो है देखना होगा। ठीक है, तो टेक माई सेल्फी जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास जो कैमरा ऑन हो जाएगा, जो सर्कल आपको देखने को मिल रहा है उसके अंदर फेस रखना होगा, क्लियर इमेज होना चाहिए, कोई ब्लर्ड इमेज ना होना चाहिए। ठीक है, चश्मा टोपी पहन का फोटो मत खींचेगा। तो कैप्चर नाउ पे जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो कि वेरीफाई हो चुका है, अपडेट हो चुका है सेल्फी। अब यहाँ पर जो है वेरीफाई केवाईसी आप जो है आपको वेरीफाई करना पड़ेगा केवाईसी, तो प्रोसीड करना। प्रोसेस जैसे करोगे तो आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है जो मोबाइल नंबर आपने पहले डाला था वो क्या आपके आधार कार्ड से लिंक है, वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा। तो अगर है तो यहाँ पर यस करना, नहीं है तो आप लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन चेंज करने पर ज्यादातर रिजेक्शन ही हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग जो नंबर डाले हो वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, कोई चेंज मत करना। तो नेक्स्ट में आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पर आधार कार्ड जो है आप वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर UID जो भी है वो आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर चेकबॉक्स को चेक करके आपको वेट करना होगा। यहाँ पर जो है एक OTP आएगा, OTP आपको डालना होगा और जनरेट OTP पे क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, UIDI के नंबर आप लोगों को यहाँ पर डालना पड़ेगा। जैसे उसको सिलेक्ट करोगे आधार कार्ड का नंबर तो OTP आएगा, तो OTP आप लोग इस बॉक्स में डालिएगा और मतलब यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबमिट जैसे करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि KYC सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है 2,000 का जो अमाउंट है वो आप लोगों को कितने टाइम में आप लोगों को मिलने वाला है, सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हुआ है 5 स्टेप्स में से। तो कंफर्म एड्रेस को कंफर्म करना पड़ेगा, तो जैसे करोगे तो आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है ऑटोमेटिकली फेच करेगा। ठीक है, फेच करते आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो आप लोग इसको कंफर्म कर लेना। कंफर्म जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है और कुछ डिटेल्स जो कि डालना पड़ेगा। आपका पिताजी का नाम यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है, आपका माता जी का नाम बोला जा रहा है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो पूछा जा रहा है, मैरिड हो अनमैरिड हो आप लोग यहाँ पर डालिएगा। जेंडर डालिएगा, मेल फीमेल या फिर अदर जो भी है सिलेक्ट करिएगा। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस,
करंट एड्रेस जो भी है आधार कार्ड में जो एड्रेस है वही वाला आप लिखिएगा, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू जैसे करेगा तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों का करंट जो है जहां पर काम कर रहे हो उसका जो है डेजिग्नेशन क्या है सबसे पहले पूछा जाएगा, तो आप लोग डेजिग्नेशन बता दीजिएगा। अब जो भी एड्रेस है क्या वो सेम है तो यहाँ पर सेम है करना, और बाकी का डिटेल्स आप लोग यहाँ पर पिन कोड वगैरह सेट करके चेकबॉक्स को चेक करके कंटिन्यू करना। तो लोन अप्रूव्ड हो चुका है, अब जो है आप लोगों को एग्रीमेंट जो है साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन एग्रीमेंट पे जैसे क्लिक करोगे तो एक एग्रीमेंट आएगा ओटीपी के थ्रू, उस एग्रीमेंट को आपको साइन इन करना पड़ेगा। जैसे साइन इन करोगे तो आपके पास एक बैंक का जो है लिंक करने का एक ऑप्शन आएगा, जहां पर आप लोग बैंक अकाउंट डालोगे, अकाउंट नंबर डालोगे, री अकाउंट करोगे, मतलब जो भी नंबर आप डाल रहे हो वो री अकाउंट आप लोग फिर से जो है डालोगे, ठीक है, रीटाइप करोगे, और उसके बाद आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद ऐड अकाउंट जैसे करोगे तो आपके अकाउंट पर एक रुपए ट्रांसफर किया जाएगा, और वो एक रुपए से उनका बैंक जो है ट्रांसफर मतलब कनेक्ट हो जाएगा, और विद इन 20 to 25 minutes आप लोगों के बैंक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये जो भी है ये एक दिवाली ऑफर आप लोग बोल सकते हो, अभी के टाइम में जो है ये सभी लोगों को दे रहे लोन। अगर आप लोगों को लोन की बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो ये लोन एप्लीकेशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली मेरा जो भी रेफरल कोड है उसको यूज करना, आप लोगों को डेफिनेटली लोन मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन आखिर कौन सा है जो कि अभी के टाइम में आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर रहा है, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है, पहले नाम कुछ और था अभी जो है चेंज हो चुका है, इस लोन एप्लीकेशन का नाम है ओलिव OLYV। जी हाँ दोस्तों, ये जो है स्मार्ट कॉइन, पहले था स्मार्ट कॉइन का ये एक ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है एप्लीकेशन अभी के टाइम में आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को इससे लोन मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप लोगों को लोन मिलता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं मिलता है तो मेरे से कॉन्टेक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल्स दे दिया है मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप लोग उसमें जाकर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना, चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।